झारखंड 36 बटालियन के सदस्यों ने शहर के गोल्फ ग्राउंड से लेकर अंधेर वर्मा चौक तक मोटे अनाज का सेवन को लेकर निकाली जागरूकता रैली। मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली का हुआ आयोजन। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि इसे अपने डाइट में जोड़कर सेहत को बेहतर बनाया जा सके। रैली में शामिल सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार मोटे अनाज का सेवन को लेकर लोगों से लगातार अपील भी कर रही है। इसके सेवन से कई प्रकार की बीमारियां और कुपोषण दूर होता है। वहीं शामिल सदस्यों ने कहा कि पिछले कई दशकों से फास्ट फूड का सेवन युवाओं में देखा जा रहा है। यहां तक कि घर घर में फास्ट फूड का सेवन किया जा रहा है, जिससे कई प्रकार के कुपोषण और बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसे देखते हुए मोटे अनाज का सेवन करने को लोगों से अपील की है। आज शहर में जागरूकता रैली निकाली गई है ताकि लोग मोटे अनाज का सेवन कर सके और बीमारियों से दूर हो सके और खुद को स्वस्थ रख सके। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मैं ऋषिकेश, 36 झारखंड बटालियन का कैडेट हूँ। आज दो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है इस साल, तो आज हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें कि मिलेट को खाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो कि एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है ताकि हम लोग जंक फूड को अवॉइड करके, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, उसको अवॉइड करके मिलेट, जो कि एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, उसको खाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। रैली सर, रैली गोल्फ ग्राउंड से होते हुए अभी रणधीर वर्मा चौक से गुजर रही है। सबको जागरूक कर रहा है जी सर, सबको जागरूक किया जा रहा है और मिलेट को खाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा नाम कैडेट ऋषिकेश, 36 झारखंड बटालियन का कैडेट होता है।